पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला यशस्वी 9 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्या प्रत्यर्थ त्यांनी देशात राबवलेल्या कल्याणकारी योजना त्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मोदी ॲट 9 या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचे नियोजन सध्या देशभरात करण्यात आले आहे. काँग्रेस पक्षातून नुकतेच भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केलेले मनसूर गांधी यांनी भाजपच्या अल्पसंख्याक मेळाव्याचे आयोजन हॉटेल प्रथम येथे केले होते. या मेळाव्याला भाजपचे शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, अल्पसंख्याक प्रदेश चिटणीस ॲडव्होकेट झहीर चौधरी, डॉक्टर रफिक सय्यद, संघटक सरचिटणीस रुद्रेश पोरामणी, माजी महापौर श्री कांचना यन्नम, अल्पसंख्याक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाकीर हुसेन डोका, अल्पसंख्याक शहर मोहसिन शेख, मंडल अध्यक्ष सुनील गोडगाव, माजी रेल्वे सल्लागार समिती सदस्य प्रवीण कांबळे, रमेश यन्नम, अल्पसंख्याक शहर सरचिटणीस जाकीर सगरी, अब्दुल करीम सय्यद, हाजी अकिल नालवार आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मनसूर गांधी म्हणाले की मुस्लिम समाजाच्या मनात जाणीवपूर्वक भाजपा विरुद्ध वाईट भावना निर्माण करण्यात आल्या आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल 60 विविध प्रकारच्या योजना मुस्लिम समाजासाठी आणल्या आहेत. या योजनांची माहिती मुस्लिम समाजात जाणे गरजेचे आहे, त्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे असे त्यांनी म्हणाले. सदर कार्यक्रमास मुस्लिम समाजातील बहुसंख्य कार्यकर्ते आणि लोक मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित होते. या कार्यक्रमानंतर प्रीती भोजनाचा आनंद देखील या मेळाव्यादरम्यान लोकांनी घेतला आहे. मेरा बालाजी सरोवर हॉटेल, इसके सामने मेरा ऑफिस है. बोरामणी साहब, महापौर मॅडम आणि सर्व वरिष्ठ ज्येष्ठ जो बसलेले आहेत, तर वारंवार मैं इनके साथ मीटिंग करे हर बार, और भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई और नरेंद्र जी मोदी इस देश में मुसलमान समाज के लिए, जैसा रफीक डॉक्टर साहब बोले कि 60 या 62 प्रकार के स्कीम जो है वो नरेंद्र जी मोदी खासो खास मुसलमानों के लिए लाए जो है, इसकी मालूमात इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं. ये कार्यक्रम के मेगा चीफ पैटर्न बनकर जो नरेंद्र जी मोदी यहां पर इस देश में मुसलमानों को लागू किए, उसके अंदर आयुष्मान भारत बोलकर एक बीमा कार्ड है, वो सबके लिए है. उसको सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा, उसमें 970 प्रकार के बीमारियां कवर है, और वो बीमा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बीमा कार्ड बनाने के लिए सिर्फ 35 से 40 रुपए खर्चा आता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विभाग से खुद खर्चा कर बनाने वाली है. इसी कार्यक्रम को हमारे नई जिंदगी के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शब्बीर शेख, इन्होंने पिछले 15-20 दिन के अंदर कम से कम 250 लोगों को मोदी एक्ट 9 के अंतर्गत 250 लोगों को 5-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कार्ड बनाकर दिए, और 200 से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन लेकर दिए. ऐसे अनेक कार्यक्रम, विश्राम कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम अगर आपको बोलने बैठूंगा तो आप शायद बोर हो जाएंगे. मैं ये बोलना चाहता हूं, ये कार्यक्रम के माध्यम से जो भी ख्याल भारतीय जनता पार्टी के बारे में मुस्लिम समाज के दिल में है वो गलत है, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के टच में हूं, उनके साथ वार्तालाप है, मैं बार बार उनके साथ मीटिंग करता हूं. जब शहर अध्यक्ष विक्रम जी देशमुख मेरे ऑफिस में आए तो मैं मुस्लिम समाज की बात रखा कि भाई आप जो है, हम और हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश करते, भारतीय जनता पार्टी के जो